हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनवी व्लॉग। और आज हम बनाएंगे सोया दिल कटलेट्स, जो कि एक हाई प्रोटीन कटलेट्स हैं और हेल्दी भी हैं। और मैंने इनको बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सोया दिल कटलेट्स। सोया दिल कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है सोया चंक्स 2 कप। मैंने इनको अच्छे से वॉश करके 30 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इनका जो पानी था वो अच्छे से निकाल दिया, इस तरह से दबा दबा कर। ये देखिए, इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं है और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है चना दाल 1 कप। इसको भी मैंने 30 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। इसको अगर आप पानी में भिगो कर रखेंगे तो ये जल्दी गल जाएगी। गाइस, मैंने एक कुकर ले लिया है। कुकर में मैं यहाँ पर दाल डाल रही हूँ 1 कप, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी। अब इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड करूंगी। इससे ज्यादा पानी ऐड ना करें, नमक स्वादानुसार। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 गार्लिक के क्लोव ले लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़े 4 पीस में डिवाइड कर लिए हैं। ग्रीन चिली 1 स्लिट कर लिए बीच में से। और ये कुछ होल स्पाइसेस हैं, शाही जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपत्ता और छोटी इलायची 2। इसको हम 2 व्हिसल आने तक वेट करेंगे। सो गाइस, इसमें 2 व्हिसल आ चुकी हैं। मैं इसका प्रेशर निकाल देती हूँ। इसको मुझे बहुत ज्यादा देर तक नहीं गलाना था, नहीं तो दाल बिल्कुल चिपचिपी हो जाएगी। हमें दाल को खड़ा खड़ा रखना है, सूखा सूखा, ड्राई एकदम। देखिए इस तरह से, और ये गल चुकी है। आप हाथ से दबाकर चेक कर लीजिए। अब मैं इस दाल को ठंडा होने के बाद में इस तरह से जो इसके खड़े गर्म मसाले थे वो मैं अलग कर रही हूँ। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ मैंने सोया चंक्स और दाल दोनों ग्राइंड कर लिए हैं। अब मैं एक बोल ले रही हूँ। बोल में सबसे पहले मैं सोया चंक्स डाला है मैंने, और उसके बाद दाल। अब मैं ऐड करूंगी 2 चॉप्ड अनियन, 1 चाट मसाला, 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब मैंने यहाँ पर रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। इसके बाद ग्रीन चिली 2 ले लिए मैंने फाइनली चॉप्ड, और कुछ कोरिएंडर लीव्स। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इससे एक अच्छा क्रिस्प और अच्छी बाइंडिंग आती है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से हाथ में, देखिए इस तरह से बनाकर मैंने शेप दे दिया है, एक मोल्ड से हार्ट का शेप। बाकी सारे भी मैंने ऐसे ही हार्ट शेप के तैयार कर लिए हैं कटलेट्स। तो गाइस देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये हार्ट शेप कटलेट्स। बाकी सारे भी मैंने इस तरह से ही प्रिपेयर कर लिए हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन पर मैं यहाँ पर घी एक ब्रश से लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल या बटर भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर सारे कटलेट्स रख दिए हैं और इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है, दोनों साइड से, ऊपर और नीचे। अब मैंने थोड़ा थोड़ा घी ऊपर की तरफ भी अप्लाई कर दिया है। इसको फ्लिप कर दीजिए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में ये एक साइड से अच्छी तरह से सेक जाता है। सो गाइज, ये देखिए इस पे कितना अच्छा कलर आ गया है और ये दोनों ही साइड से अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इस स्टेज पर आकर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी।
चलिए इनको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ अनियन रिंग्स ले लिए हैं। सो गाइस, सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी सोया कटलेट्स बनकर रेडी हैं, जो कि खाने में बहुत ही यम बने हैं। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी न्यू वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।